खाए। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। कांग्रेस ने पूछे वालों को मित्र जवाब नहीं दे रहे।
फिर से पूछ रहा हूँ, 7 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने कभी गरीब वनवासियों को 1 रुपए किलो चावल दिया था? घर वाले हाथ मिला रहे, थोड़ा दूर से बोलोगे तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, घर वालों का नहीं सुन पा रहा हूँ, एक बार मैं सुन तो लू, क्या 7 साल में कांग्रेस ने गरीबों के लिए 1 रुपए किलो चावल दिया था? क्या कांग्रेस ने 7 साल राज करने के बाद इलाज के लिए दवाई के लिए कभी 1500 का बीमा योजना बनाई थी? क्या कांग्रेस के 7 साल राज करने के बाद गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए थे? क्या कभी कांग्रेस ने हमारी बहनों के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा 7 साल में 25 लाख 30 लाख नहीं क्या 1500 गैस सिलेंडर कभी दिया था? आज कांग्रेस की कार्यालय नगरपुर में यहाँ देख रहे 50,000 लोग बनाएंगे। विकास किसको कहते हैं? विकास की क्या परिभाषा है? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, सबके नाम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके 50,000 के स्मार्ट कार्ड बने हैं? जितने लोग स्मार्ट कार्ड बने हैं एक बार दोनों हाथ उठा के बता दीजिए हमारे स्मार्ट कार्ड बने हैं? ये कांग्रेस के बने हैं, सबके बने हैं, इसको विकास कहते हैं। गरीबों को 50,000 की इलाज की व्यवस्था, 1 रुपए किलो चावल की व्यवस्था, नमक की व्यवस्था, चना की व्यवस्था, बेटी के लिए कापी किताब की व्यवस्था, पक्के मकान की व्यवस्था, उसके लिए बिजली की व्यवस्था, तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को ऋण पानी का इतनी योजना कांग्रेस ने 50 साल में एक एक योजना बना दी। ये योजना बन गया होगा अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4.5 साल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी में 50 लाख घरों को जैसे ही माननीय अमित शाह जी हेलीकॉप्टर से उतरे उनको देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। भाई के हाथ में तो मोबाइल था और 70% बहने भी मोबाइल में फोटो खींच रही थी, अद्भुत दृश्य था। मुझे इतना मोबाइल मैंने 45 लाख बहनों के हाथ में मोबाइल जा चुका है, जा रहा है, स्मार्टफोन का बेहतर का काम यहां कर रहे हैं। गांव गरीब और किसान की प्राथमिकता, आज खान खरीदने के लिए कांग्रेस ने कभी खान नहीं खरीदने की बात क्विंटल से ज्यादा कभी गरीबों के लिए किसानों के लिए चिंता नहीं की, धान का कभी उचित मूल्य दिया नहीं कांग्रेस ने, धान को डुआ डुआ कर देखते थे और नियत करते थे। तो कांग्रेस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, डॉक्टर रमन की सरकार है। 1550 धान का कीमत 200 रुपया समर्थन मूल्य माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, 1750 हो गया, 300 रुपया का बोनस दिया। अब धान खरीदी 1 तारीख से करेंगे 2050 रुपया 2070। एक बार प्रधानमंत्री ने धान के कार्य बताइए 2070 रुपया 50 रुपया धान खरीदी क्या लहराती हुई फसल है, 80 लाख मेट्रिक टन धान की फसल होगी, कल्याण भरे हैं। यह है सरकार के काम, सरकार की योजना, बिना ब्याज के सरकारी बैंक से कृषि का ऋण देने की व्यवस्था, धान देने की व्यवस्था, गरीबों के लिए सारी योजनाओं में बेटी के स्कूल के लिए कापी किताब से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई से लेकर लाइन लोनी योजना में 5,000 रुपया उसके खाते में जमा कर देते हैं, पैदा होते ही हर साल 5,000 जमा करते हैं, जब मेरी बेटी 18 साल की होगी 1 लाख रुपए से ज्यादा उसको मिल जाएगा। इन योजनाओं के साथ साथ आज मैं योजना गिनाने नहीं आया, नगरपुर आया हूँ, मेरे जितने साथी मंच में बैठे हैं, मैं तो इस विकास यात्रा में, अटल विकास यात्रा में जनता के दरबार में आया हूँ। चंद्रेश्वरी माता का आशीर्वाद मिल गया, बोमेश्वरी माता का आशीर्वाद मिल गया, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं मन जाऊंगा ले लिया कर सकता हूँ। और जब तक आपका पूरा हाथ भाग आशीर्वाद नहीं देंगी,
सफल हो गई। माता भाई सबसे एक ही बात आपका है, इस अटल विकास यात्रा को दोनों हाथ उठा के आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं मानूंगा ये यात्रा सफल रही, बहनों का हमारी माताओं का आशीर्वाद। आपको मैं धन्यवाद देने आया हूँ। एक मोदी जी की योजना में बताना चाहूंगा जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। उस योजना के बारे में जो कल्पना कोई नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी जी के सिवाय, कल्पना गरीब का आदमी गहरपुर का आदमी बीमार पड़ जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, हमने तो 50,000 की व्यवस्था कर दी है और उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, बाईपास कराना पड़ जाए, किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत हो, लीवर की बीमारी हो गया, लीवर को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत हो, नी रिप्लेसमेंट जरूरत हो, कैंसर हो गया तो उसके लिए पूरा घर भी जाता है, उसका पूरा जमीन भी जाता है, बर्बाद हो जाता है, इलाज नहीं करा सकता, कहाँ पाएगा 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। आदिवासी का बच्चा, उसका बूढ़ा बाप बिना इलाज के घर में उसकी मौत हो जाए। मोदी जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे गरीब परिवार के साथ डॉक्टर मोदी जी खड़े हैं, ऐसे परिवार के साथ डॉक्टर रमन खड़ा है। अब आयुष्मान भारत के 5,00,000 तक के लिए इलाज की योजना हमने ध्यान में ली। 5,00,000 दुनिया की सबसे बड़ी योजना। विकास के काम तो हो गए, हर घर में, हर गांव में, हर पारे में, हर टोले में, हर मंजरे में बिजली तो लगेगा ही, हर व्यक्ति के पक्के मकान बनेंगे ही, हर बच्चा स्कूल जाएगा। प्रयास आसपास इसका के माध्यम से, मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, आज तक 3 IIM में जा रहा है, उन्हीं दूर ने कांकेर ने, कांकेर का बच्चा ही SP कलेक्टर दिया भवन के आएगा, वो दिन दूर नहीं मेरा ड्राइवर का बच्चा है। ये कल्पना को साकार करने लगे, यही सपना है 15 साल। और आए वाला मैं एक ही बात अंत में बोलते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास प्रकट किया, उस विश्वास और उस छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्षण मैंने बिताया। मैं तो सिर्फ ये आपसे कहने आया हूँ, जो विकास आप नरहरपुर में, कांकेर में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मोदी जी की दिल्ली में सरकार है, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। मैं यही कहने आया हूँ, जितना विकास आपने देखा है, आने वाला 5 साल 4 गुना ज्यादा विकास होगा, ये मैं आपसे कहना। मेरी बात मैंने कह दी, मैं आता रहता हूँ, मेरी बात सुनते रहते हैं। मैं आग्रह करने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत को, जिन्होंने अपनी जीवटता से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने हिम्मत और हौसले से इस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं, सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं, सबसे ज्यादा प्रदेश में सरकार किसके हैं, सबसे ज्यादा सदस्य संख्या जिनके हैं, और इस काम को करने की ताकत भी किसी में है। अमित शाह जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, एक बार कोई दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं आग्रह करूंगा, हम सबको मार्गदर्शन देंगे, आपकी तालियां बूझते रहे, मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष को।